चलो बच्चों, आज हम देखेंगे आतिथ्य, जिसके लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं आतिथ्य, आवभगत, खातिरदारी, ऐतिहासिक का इतिहास संबंधी, व्याघ्र का व्याकुल, उल्लंघन का नियम या विधि, विरुद्ध की चिंतित का अल्प, थोड़ा, तनिक, मर्माहत, मर्म को चोट पहुँचाना, हृदय की पीड़ा, पुरातत्व, प्राचीन काल संबंधित विधा, अखाड़ा, कुश्ती लड़ने की जगह और मलभूमि, चकनाचूर, चूर चूर, खंड खंड। देखो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन पथ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही राह चलते सहारे की आवश्यकता होती है। जीवन अकेले नहीं जिया जाता है और राह चलने के लिए हमें हम सफ़र ज़रूरी है, इसलिए अकेले चलना कठिन है और मुश्किल भी। इसलिए कोई ठहर कर पीछे आने वाले साथी का साथ लेता है, तो कोई चार कदम बढ़कर आगे जाने वाले का साथी का साथ लेता है, लेकिन जो भ्रमणशील व्यक्ति होता है वह अकेले ही निकल पड़ता है। और भ्रमणशील व्यक्तित्व के कारण जीवन में अनेक प्रकार के मधुर कटु अनुभव होते हैं। प्रस्तुत स्मरण में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अपने ऐसे ही अनुभव को प्रकट किया है। रास्ता चलते चलते रात्रि होने पर वह रात गुजारने के लिए हेडमास्टर के घर रुकने का मन बनाते हैं। थके हुए लेखक के मन में आराम करने की चेष्टा थी और वह मास्टर जी से अधिकार स्वरूप मिलकर उनके यहाँ रात रुकने का मन बना रहे थे। लेखक को मास्टर जी पर अति विश्वास था, उन्हें उनके यहाँ आराम करने को मिलेगा। और हेडमास्टर से मिलने से पूर्व लेखक के मन में प्रति सम्मान एवं सज्जन व्यक्ति की परिकल्पना थी। हेडमास्टर के घर पहुँचते हैं और दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं। अंदर से सज्जन लालटेन लिए हुए एक सज्जन निकलते हैं और लेखक की आशा के विपरीत जवाब मिलता है। हेडमास्टर जी ने कहा कि यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं, हम अपने यहाँ घर में किसी को नहीं ठहरने देते, किंतु उनके मना करने पर वहाँ अपनी थकान दुख भूल गया और उनका अभिमान चूर चूर हो गया, जिसका दुख लेखक को ज़्यादा था। रुकने के लिए मना कर देते हैं और धर्मशाला का रास्ता बताते हैं, और धर्मशाला पहुँचाने के लिए एक आदमी दिया गया। बहुत ढूंढने के पश्चात वह पुनः उसी हेडमास्टर के घर पहुँच जाते हैं। तभी लोग चोर समझ कर पुलिस को देने की बात कहते हैं। बहुत निवेदन के बाद एक आदमी धर्मशाला तक छोड़ा जाता है। धर्मशाला में एक अंधा भिखारी मिला, जिससे लेखक को सहानुभूति मिली। लेखक ने एक ओर शिक्षित, समर्थ और आँखों वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति और दूसरी ओर अशिक्षित, असहाय और अंधा व्यक्ति की आतिथ्य सत्कार का सुंदर वर्णन किया है।